राजस्थान में रहे फिर पापा की जॉब पहले एज अ टीचर थे फिर दिल्ली में आ गए सर्विसेज में तो हम भी इधर शिफ्ट हो गए पापा के साथ 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 कि चलो यार पापा ये बेल्ट की बेल्ट जॉब है आपको में यहाँ पे सबसे पहले एक छोटे स्कूल के अंदर गए जिसका नाम को जे स्कूल था दो तीन साल वहां काटे फिर हमारे घर में या तो सब आर्मी के अंदर है या फिर सब स्पोर्ट्स के अंदर है दो चीजें हैं तो पापा ने पूछ लिया बेटा चलो बताओ आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है तो हमने कहा कि ज्यादा तो आते नहीं क्रिकेट देख रखा है बस और नाम पता नहीं पापा ने कहा बताओ फुटबॉल खेलोगे मुझे आपको बाकी नहीं होना पड़ेगा ठीक है खेलते हैं तो लगभग थर्ड क्लास से लेके इलेवेंथ क्लास तक ये सात आठ साल दबा के लॉन टेनिस खेला और काफी मजा आया दिन के तीन तीन पांच पांच घंटे अच्छी ट्रेनिंग होती थी आर के खन्ना स्टेडियम में जाते थे वहां पे हमारे कोच थे अरुण सर जो कि इंडियन डेविस कप टीम जो है उसको लीड करते हैं बहुत अच्छी एक जर्नी थी क्लास के अंदर किसी ने कहा स्कूल चेंज कर लो डी वगैरह में चले जाओ वहां पढ़ने वाले बच्चे होते तुम्हारा सुधर जाएगा वहां पे अच्छे होते हैं ठीक है चलते हैं उनका एक एडमिशन टेस्ट होता है बचपन से पापा का यू था बेटा दो सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए पहला है इंग्लिश दूसरा है मैथ्स

तो, तो वहां बैठे थे तो डीपीएस वाले बच्चे मुझे ज्यादा समझ में नहीं आए क्योंकि वो यार, वो यार बात करते हैं फुटबॉल फुटबॉल की अब मुझे में सिवाय रोनल्डो के कुछ नहीं पता <laughs> वो बोलते यार यार ये ये टीम का उसके साथ मैच हो रहा है यार, ये तो हाई लेवल की बात हो रही है फिर वो गाड़ियों की बात करते है फलाना बीएमडब्ल्यू फलाना मर्सिडीज मैंने कहा ये भी अपने उसके ऊपर की बात है अपने घर में खड़ी है पल्सर <laughs> अपन दूर रहते हैं इनसे तो फिर फिर आपका स्पोर्ट्स भी ऐसा ही होता है लॉन टेनिस आप खेलते हो पूरे कॉल स्कूल में दो चार बंदे होते हैं जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं फिर ऐसे करते करते में पहुंचे में सबके आ जाते हैं मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करी और आगे थोड़ी बहुत यार काफी मेहनत करी घर से बहुत प्रेशर होता है पर मेरे को यू लगता है कि <laughs> चलो ठीक है वो सिस्टम भी अच्छा था बोलने में अच्छा लगता है टेंथ सी पे आए थे इससे ऊपर कुछ होता नहीं फिर यार इलेवेंथ में सोचा कि डीपीएस आर के पर शिफ्ट हो जाएं क्योंकि वो घर से लगभग आधा किलोमीटर ही दूर था और फिर किसी ने कहा डीपीएस आर के पर और भी अच्छा है वसंत कुंज से हमने कहा चलो ठीक है उसमें चले जाते हैं एडमिशन टेस्ट दिया तो क्वालिफाई हो गया इंटरव्यू वगैरह राउंड लेते हैं चौदह लोग बैठते हैं उनके एच इंटरव्यू राउंड में मैं डर गया देख के पर फिर संभाव वो भी इलेवेंथ के अंदर जब वहाँ पे गचे तो वो स्कूल थोड़ा सा स्लाइटली बेटर था क्योंकि उसमें फिफ्टी परसेंट डी के बच्चे थे और फिफ्टी परसेंट न्यू एडमिशन थे तो मतलब मैंने कहा मेरे जैसे लोग भी हैं वहां पे <laughs> वहां जाए हम बैठे ग्यारहवीं बारहवीं कैसे निकलती है पता ही नहीं चलता ये तो तुम सब ऑलरेडी जानते हो गए आदमी अंदर जाता है और मुझे तो जब मैं इलेवेथ ट्वेल्थ देखता हूँ बस एक चीज़ याद आती है स्कूल जाते थे बिना बाल बनाए वगैरह वापस आते थे डीटीसी पकड़ते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक घंटा लगता था पकड़ के पत्थर के सेल्फ स्टडी करी सो गए तो ये शेड्यूल रहा ट्वेल्थ आ गई पता नहीं कहाँ से बोर्ड भी खत्म हो गए हमारे टाइम में यार दोनों के पेपर लगते थे आ, आपके बोर्ड के भी मेन्स के भी अब मेरे को एडमिशन मिल रहा था एक पापा है मेरी बहुत मस्त चीज़ करते हैं चॉइसेस देते हैं मेरे को लाइफ में तो जब से मैं टेंथ से इलेवंथ में जा रहा था तो पापा ने चॉइस दिया कि बेटा तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है या फिर तुम्हें साइंस लेनी है तो मैंने कहा पापा मुझे तो स्पोर्ट्स खेलना है आठ साल हो गए इसी में आगे जाना है पापा ने कहा ठीक है बेटा साइंस ले लो मैंने कहा ठीक है साइंस ले लेते फिर बारहवीं के बाद मेरे को दो कॉलेजेस में एडमिशन मिला एक था आपका हिंदू और एक था आपका एनएसयूटी तो पापा ने फिर से पूछा बेटा तुम्हें हिंदू कॉलेज रहा हूँ एक साल पहले डिग्री खत्म होगी एक साल में यूपीएससी की करके अपन भी सर, सर्विसेज के अंदर घुसते हैं तो आ, पापा ने कहा ठीक है बेटा एन एस यू टी चले जाओ मैंने कहा यार चलो ठीक है एनएसआई टी जाते हैं अब हमारे एन एस आई टी जब गए तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था हमारे आठ सीनियर थे जो कि सवा करोड़ का पैकेज लेके गए और ये रिकॉर्ड टाइप था मतलब इतना तो IT's में नहीं गया था तो मैं कहा भाई साहब अगर हमारे सीनियर्स ऐसे हैं तो हम तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है तो हम तो पता नहीं क्या ही वो के लेके जाएंगे तो वही जो फर्स्ट सेमेस्टर में बंदा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा क्योंकि जो थोड़ी बहुत कमी आपकी रह जाती है ना कि यार हमें सिर्फ आई आई में यार ऊपर की नहीं मिली आई का रह गया टैग इतने साल मेहनत करी वो तो मिला नहीं तो रही ठीक है यार प्लेसमेंट बाद में निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर घुसे एक यार चीज चलो मैं थोड़ा सा रैपिड फास्ट कर देता हूँ इस चीज को वरना है ना बहुत बोर हो जाओगे और आप मेरे को लग रहा है काफी बच्चों ने पहले से ऑलरेडी सुन भी रखा होगा तो हमने कहा चलो फर्स्ट ईयर में घुस गए अब जैसे ही फर्स्ट ईयर इमेज बदलनी थी वो ये थी कि

मैं पीछे के देख रहा हूँ पूरी क्लास में किसी ने हाथ नहीं कड़ा कर रखा सिर्फ मैं उन्होंने कहा ठीक है यार बन गया। मैंने का, गुड़, गुड़, गुड़। तो मॉनिटर यार, यार मतलब अच्छा तो, बन गए फिर कुछ सीनियर मेन काम होता है एज अ सीआर आपका बंक वंक कराना इतने देर में दूसरे सीनियर आ गए उन्होंने कहा हम तुम्हारे आईटी वाले सीनियर हैं पिछले इलेक्शन जिसने करा है वो दूसरी ब्रांच के सीनियर हैं तो हमारे मान्य रखे जाएंगे तो दोबारा सीआर के इलेक्शन कराओ इस बार दो तीन बंदों और ने हाथ खड़ा कर दिया इलेक्शन इलेक्शन का हुआ तो फर्स्ट बंदा था रैंक ओपनर जिसके सबसे ठीक नंबर आए थे तो वो अपना पूरा फुल इंग्लिश में यार मैं आपको है ना पेपर के दौरान हेल्प करूंगा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और कोई भी डाउट हो आप मुझसे किसी भी टाइम हॉस्टल में आके पूछ सकते हो इस टाइप की मैं बगल में एक सीनियर के साथ खड़ा था, था <laughs> बास्केटबॉल फुटबॉल दिला के लेके आएगा तू हॉस्टल टपवाएगा ये बोलो हाँ बोल मैं जाके बोला और जो मेजोरिटी सीता हूँ मैंने कहा ग्रेट सीआर बन गया अब जब हॉस्टल में आप जाते हो मीनवाइल जब दिन चल रहा था मम्मी हॉस्टल का रूम सेट कर रही थी कपड़े वपड़े तो मैं दोपहर में दो बजे वहां पहुंच रहा हूं तो मम्मी सब पोचा वोचा लगा कि एकदम हाँ अच्छी चलो बच्चे का अब मैंने सेटल कर दिया और जब आप अपने उस छोटे आठ बाय दस कमरे में आते हो ना मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ भाई साहब पता नहीं क्या ताजमहल देख रहा हूँ मैं क्योंकि वो यार चार साल बिताने मेरे को साइड में अलमारी आपका एक बेड खुद की टेबल खुद की खिड़की मजा स्वाद आ गया तो मम्मी निकल गई और पता नहीं मेरे अंदर क्या आत्मा चढ़ी थी मैं टेबल पे बैठ गया कि आज जो पढ़ाया उसके फॉर्मल नोट्स बना लेता हूँ इमेजिन करो थोड़ा जो कॉलेज में पढ़ाया वो तो पढ़ा ही है उसके फॉर्मल नोट्स बना लेता हूँ मैं बैठ के फॉर्मल नोट्स सुंदर सुंदर हैंड में लिख रहा हूँ गेट खुला था अभी ठीक है फर्स्ट डे ना पता नहीं कि गेट बंद रखना होता है में उन्होंने खोला दो बच्चे मेरी क्लास के और वो बहुत डाल रहे पढ़ा को समझ रहे मेरे को ये इमेज नहीं चाहिए महंगा नहीं पढ़ रहा मैं <laughs> मैं तो ऐसे ही बैठा था उनके साथ बाहर गए घूमने फिरने फिर वो बंदी काफी अच्छे दोस्त वगैरह भी बने दोस्त तो सारे बन जाते फर्स्ट डे आप मेस में जाते हो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि यार सबने बोलते हैं हम हॉस्टल का खाना बहुत खराब होता है मेस में गए और बड़ी बड़ी टेबलें लगी पड़ी है एक पे पंद्रह बैठ सकते हैं हम सब बैठे हैं और भाई सिर्फ डिस्कशन का एक टॉपिक आईटी का सीआर वो है कंप्यूटर्स का सीआर वो है <laughs> मैकेनिकल का सीआर वो है क्योंकि और कोई टॉपिक ही नहीं हमारे बन गए यार इसकी तो इज्जत है ये तो सीआर बन गया हमने कहा बहुत बढ़िया और एक फर्स्ट डे पे आपके सीनियर बोलते हैं कि यार आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना दो तो सबके नंबर ले लो मैं एज अ शरीफ बॉय बहुत ही शरीफ मैंने एक छोटी सी कॉपी निकाली मैंने बांट दी कि यार लो 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 सारे नंबर ले लिये मीनवा दो तीन दोस्त थे मेरे जो कि ऐसे देख रहे हैं मतलब बाद में दोस्त बने उस दिन तो नए बंदे ही थे वो वो ऐसे देख रहे हंस रहे सर मेरी तरफ मेरे समझ में नहीं आया कि यार ये बंदा हंस क्यों रहा है ये हंस क्यों रहा है वो भी ऐसी ऐसी स्माइल क्यों दे रहा है मेरे को लगभग जब हम थर्ड ईयर में थे ना तब उसने एक दिन मेरे को बोला यार तू अलग ही लेवल यार तू सही निकला फर्स्ट डे के अंदर ही तेरे को सारे नंबर मिल गए मैं मैंने कहा मतलब भाई तूने सारी लड़कियों के नंबर मैंने कहा अच्छा इसलिए हंस रहा था तू तो उस दिन ये ये दर्द लेके बैठा था इतने दिनों से अंदर मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं उस टाइम काफी शरीफ थे तो ठीक है फर्स्ट ईयर आपका निकला अब फर्स्ट डे हमारे सीनियर्स ने कहा था बंक मारना है और क्लास में यूनिटी बहुत होनी चाहिए और मैंने ये चीज को है ना लकीर मान लिया था खून की यार यूनिटी बहुत जरूरी है क्लास में तो फर्स्ट डे के अंदर हमने बंक मारा <laughs> तो हमारा टीचर भी नहीं जानता कि उनके स्टूडेंट हम है फर्स्ट डे क्योंकि टीचर ऐसे जा रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं हम देखते देखते चले गए ये था फर्स्ट डे फिर आप सेकंड डे के अंदर आते हो थोड़, थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं सोसाइटी के ऑडिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं ना गाना आता है मुझे पर हम गाना गाने गए वहां पर रैप गा दिया हमने <laughs> फिर के अंदर थिएटर तो आता ही नहीं है जो स्ट्रीट होता है हमने कहा चिल्ला तो सकते हैं चलो चिल्लाने का प्रयत्न करते हैं उसमें भी सेकंड थर्ड राउंड में निकाल दिया उन्होंने कुछ कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा एक कोने फुट में फुटबॉल में खड़ा करा बोल वाल तक आवाज जानी चाहिए चिल्लाए पर नहीं हुआ फिर इसी प्रकार से बाकी डांस वगैरह ऑडिशन वगैरह हुए पॉइंट बीग मैं यार आपको यहाँ पे है ना कुछ

तो एक पॉइंट के बाद आप ऊपर नहीं जा सकते अगर आप एज ज्वाइन हो रहे हो अपनी कोडिंग स्किल्स के बेसिस आप शुरुआत में एंटर कर सकते हो दो तीन साल उस ती, रह सकते हो पर अगर आपको टीम लीडर बनना है तो टीम लीडर बेस्ट कोडर नहीं होता वो वो बंदा होता है जिसको काम करवाना आता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है तो कॉलेज तुम्हारा वो प्ले है जहां पे आपको हर दोस्त को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है कि यार इससे मैं बात कर रहा हूँ तो ओके जैसे प्रैक्टिकल्स में लिखते थे एम पर्पज गोल वगैरह तो आपको देखना यार मैं बात कर रहा हूँ मुझे ये चीज करवानी है और कभी कभी होता है ना बात करने के बाद सोच अरे यार काश ये चीज बोली होती तो अच्छे से निकल जाता तो वो चीज रियलाइज करूँ और नेक्स्ट टाइम वो चीज इंप्लीमेंट करें हर स्टेट के यार हमारे पास लोग आते हैं हर टाइप का नेचर का दोस्त आपको हॉस्टल में मिलेगा ढाई सौ तीन सौ बच्चे होते हैं तो वो बात करनी बहुत जरूरी है फिर फर्स्ट ईयर में यार पता नहीं फर्स्ट ईयर से पहले ही इनफैक्ट ट्वेल्थ खत्म होती एक चैनल भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे और फर्स्ट ईयर में हमने ज़्यादा वीडियो डाले नहीं थे कुछ छः सात ही डाले थे अब सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई कर ली रिक्वायर्ड नहीं थी उतनी। में 97, 98 आ रहे। मैंने यार, इतने तो बोर्ड में ही मेरे कम आए थे, 95 आ थे ये तो आ रहे। <laughs> फिर देखा कि यार कोडिंग करके वो वाइब नहीं आ रही थी काफी बंदे होते जिन्हें बहुत वाइब आती है उनका टोटल वही कोडिंग, कोडिंग, कोडिंग। मुझे वाइब नहीं आ रही थी कुछ जॉब ऐसा होना चाहिए फील्ड में काम करें दो तीन केस सॉल्व करके आए काम किया है तो इधर उधर ज्वाइन किया ऑफलाइन कोचिंग वगैरह और वहां पे वो कोडिंग वगैरह सिखा रहे समर ब्रेक के अंदर अब दस दिन तो मैंने सहा फिर एक दिन हम बैठे थे टीचर ने कहा क्वेश्चन सॉल्व करो मैं मेरा एक और दोस्त अमन उसके भी गवर्नमेंट में जाना था वो मेरे को देखता क्लास के बीच में से खड़े बाहर निकल गए अब बाहर निकल तो गए पर अब ये नहीं पता जाना तो जाके स्टेयर्स पे बैठ गए यार कहा जाए उसने बोला यार इधर चलते हैं मुखर्जी या जी टीवी में से वहाँ पे है ना ये एस एस सी के हब यूपीएससी के हब्स किसी टीचर से जाके मिलते हैं पढ़ना वढ़ना कैसे बता देंगे कोई प्लान नहीं है हम चले गए मुखर्जी सॉरी टी के अंदर घुस रहे हैं हम थे NSIT के और हम टीचर्स को ये बोलते जाके कि यार हम आई आई टी डेली के फर्स्ट ईयर हैं और हमें यूपीएससी निकालना है तो टीचर्स को हमारे अंदर है ना वो परफेक्ट कैंडिडेट दिखने लग जाता था कि यार ये निकाल लेगा वो बैठाते अपने उस कमरे के अंदर उनका मेन

आप सब में से काफी बच्चे हैं जो कि ट्वेल्थ में कोई ईयर में आप कॉलेज में हो टुगेदर अच्छा तो विद मत करियो ये कर ले या ये अच्छी थी फलाना चीज फलाना चीज कोई और डाउट हो तो बताइए मुझे सेम चीज पूरी हर जगह डोमेन में है तो आप किसी भी डोमेन में जाना चाहते हो उसमें किसी ने ठीक ठाक कर रखा आप उसके पास जाके पूछोगे तो वो कायदे से आपको बताएंगे पर आपको पूछना पड़ेगा ठीक है हेल्प मांगो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी नहीं मांगोगे तो नहीं है राइट तो ये एक अच्छी चीज वहां से सीखने को मिली उधर से आ गए फिर हमने कहा यार ठीक है काफी इंस्टीट्यूट ने यही कहा यार इधर इधर मत आओ पहले खुद सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी वगैरह करो उसके बाद कभी देखना ऑप्शनल वगैरह के लिए ठीक है खुद पढ़ने वढ़ना स्टार्ट हो गए हम और कोचिंग बंक करने लग गए और बंक करके एक होता है आप मूवी देखने जाओ हम देख कैसे पागल पढ़ रहे हैं। <laughs> तो ठीक है बीच बीच में बे कोचिंग चले गए फिर ईयर में यार मेरे को एक चीज यू था कि हम जब वीडियो बनाते थे तो उस दौरान हॉस्टल के अंदर बहुत डिस्टरबेंस होती थी तुम्हारे दोस्तों को पता चल जाए ये वीडियो बना रहे अच्छा अमन डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही आवाज तो नहीं आ रही तो वो शूट नहीं करने देते थे कब गेट पे बड़बड़ बडबड़

फिर पापा ने कहा चलो ठीक है यार दूसरे अमन के भी बहुत अच्छे नंबर हैं ये पढ़ लेंगे फाइनली ने एक जगह हमने रूम फिक्स किया उन्होंने पापा ने दो महीने का एडवांस दिया हम शिफ्ट हो गए शाम को मैं पापा पापा को कॉल करता उसी दिन के अमन आनंद तो नहीं यार <laughs> पापा बोले क्या कैसे दोस्त है तुम्हारे तुम न लायक तुम्हारे दोस्त ना लायक कोई जुबान की वैल्यू नहीं है ऐसे कौन मना करते मैं कहा एक घंटे का, का लेक्चर है सुन लेंगे पर अपना स्टूडियो अब इसको बना सकते हैं अपने पास अपनी स्पेस है तो वहां हम बैठे धीरे धीरे मैं चीज लेके आता रहा कि ओके यार कभी टाइम लगा तीन चार महीने में पर वो स्टूडियो बन गया स्टूडियो बन गया फिर एक दिन ऐसी टीचर से बात कर रहे थे किसी मेरे कि जे वगैरह की पढ़ाई कराई थी कि यार मैंने ऐसा ऐसा बनाया उन्होंने कहा यार चीज तो हमें बेची होती है हमारे कुछ बच्चे होते जो कि एबसेंट हो जाते हैं थे, उनको दोबारा तो पढ़ाना पड़ता है तो बहुत अच्छा होगा अगर सामने कैमरा वैमरा हो क्लास रिकॉर्ड करेंगे उन्हें बोलेंगे क्योंकि यार ये चीज वापस देख लो मैं ये चीज तो कर सकते हैं तो उन्होंने मेरे को एक बड़े बंदे से मिलाया जो कि वगैरह में कोचिंग वगैरह में पढ़ाते थे आई टी के पास आउट थे तीन बंदे उन्होंने कहा ठीक है यार कर चलो तो उन्होंने कहा यार तू लगा देगा मैंने कहा स्टूडियो बना देंगे इसमें क्या यार फॉर्म कैमरा माइक राइट और थोड़ी बहुत और चीजें होती हैं हो जाएगा उन्होंने कहा ठीक है तो आँ... मैंने कहा फ्री में फर्स्ट वाला जो होगा मैं आपका फ्री में कर दूंगा इक्विपमेंट्स का आपके चार्जेस लगेंगे उन्होंने कहा ठीक है हम ट्रैवलिंग वगैरह देख लेंगे उन्होंने मस्स टिकट विकट बुक कराई मैं मस्त गया क्या ही होता है यार बहुत सिंपल काम था मैंने कहा कहास्टिक फॉर्मिंग और वो बीस बीस फुट ऊंचे बड़े बड़े एक क्लास में तीन सौ तीन सौ बंदे बैठ सकते हैं ऐसी चीजें बना रखी है उन्होंने उन्होंने कहा यार इक्विपमेंट अच्छा होने चाहिए मैंने कहा ठीक है जहाँ अस्सी हजार का लाख का कैमरा लगता है वहां मैं दो लाख का कैमरा लगा रहा हूँ एक्सपेंसिव होती है उनकी वो कराई और इत, ऐसा सेटअप क्योंकि उनको ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहते कि एक बटन दबाए उनका सब रिकॉर्ड हो जाए सारे ऑडियो रिकॉर्ड हो जाए माइक भी उनके यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते थे ऊपर बीस फुट के उन्हें अच्छा लगा उन्होंने कहा पूरी कोचिंग में कर मैंने कहा ठीक है कमरे सब में कर देते हैं <laughs> फिर बाकी जगह से ऐसे आने लगे लग उन्होंने एक फरीदाबाद के के क्लाइंट पास भेजा वो आपके कॉलेज स्कूल्स नहीं होते जो कि आपको पढ़ाते जयी और नीट कहे पर साथ में आपको क्लास ट्वेल्थ भी वही पढ़ा देंगे तो आपको अब दो जगह पढ़ने नहीं जाना है मैंने कहा ठीक है अब उनका पूरा स्कूल मैंने कहा यार ये भी ठीक है उन्हें सीडियां बेचनी थी कि यार हम जो पढ़ाते हैं ना उसको हम बच्चों को भी पढ़ाएं और कल मार्केट में सीडी डी बेचे मैंने उन्होंने कहा सुनो यार 2018 हो गया सीडी चलती भी नहीं है आजकल लैपटॉप में पर नहीं उन्हें बेचनी थी सी मैंने कहा ठीक है मैं तो स्टूडियो बना सकता तो बनाए वहां से बहुत ज्यादा आपका कैश इन होता है क्योंकि अगर आप चाहे पैसा ना भी लो ना तो अगर मान लो एक एक तुम्हारा कैमरा है जिसके ऊपर एम मान लो दे रखिये एक लाख नब्बे हजार आप उसे ग्रे मार्केट से लेते हो आपको बहुत सस्ता 165 का मिल जाता है तो मैंने कहा पहला मार्जिन तो यही है उसके बाद अकोस्टिक फॉर्मिंग है अगर आप इसे सही मार्केट से लो ठीक है बजाय कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तो उसमें आपको मार्जिन मिलता है उसके बाद फाइनली आप अपने सर्विसेज के लिए भी चार्ज कर लो तो मेरे को ठीक ठाक पैसा मिलने लग गया था अपने थर्ड ईयर के अंदर मैंने कहा अच्छी चीज है फिर अपन सिक्कर गए सिक्कर में हमने बनाया दिल्ली के अंदर काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे इंडिविजुअल कोचिंग जिनके सिर्फ ज्यादा कमरे हैं भी नहीं दो दो तीन तीन कमरे हैं क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं जो कि एक एक घंटे के छह सौ छह सौ सात सौ रुपए लेते थे तो अगर बच्चा एबसेंट है तो कहते थे ले यार, देख ले, मैं कोई, को तो कोई ही नहीं, तो तो को तो नहीं जैसे आज के दिन हम बच्चों को बोलते हैं कि यार फर्स्ट सेकंड ईयर दबा के पढ़ो अपना अगर आपको इंजीनियरिंग में आप प्लेसमेंट वगैरह लेनी हमारे टाइम में इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया था पहले दो साल करो ऐश और थर्ड ईयर में पढ़ाई करना स्टार्ट करना और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट ले लेना अब टाइम बदल चुका है, में में बैठे है और अर्न कर रहे हैं। क्या ये प्लेसमेंट में पहली कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट चालीस लाख मैं ओ भाई साहब फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व साढ़े तीन यार ये मेरा दोस्त इन्हें तो कुछ नहीं आता ये लेके जाएंगे तीन लाख का पैकेज मैं यार हमने नुकसान तो नहीं कर दिया बैठना चाहिए था नहीं क्योंकि उस टाइम में फोर्टी लाख नहीं कर पा रहा था बाद में पता चला वो चालीस लाख नहीं देते वो बेसिकली आपको सत्रह अठारह लाख ही देते हैं आपका एक लाख कुछ दस हजार का पैकेज होता है पर मंथ माइक्रोसॉफ्ट में बाकी आपके स्टॉक्स वगैरह होते हैं जो कि आपको चार साल में मिलते हैं सेकंड ईयर से आपका पैकेज चालीस लाख नहीं होता वही सत्रह अठारह दिखाने के लिए होता है मैंने कहा पर उस टाइम पता नहीं था वो वो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही तो वो एक ऐसा टाइम था जब आपका आपको दिमाग में भी पल्स वाइब होती है मतलब यार आपको लोड हो रहा है क्योंकि एक साइड में प्राइवेट का भी काम चला रखा था प्लेसमेंट का भी थोड़ा बहुत लोड था थोड़ा बहुत जो कॉलेज सेमेस्टर का लोड होता है और यूं भी था, था कि हम यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं मैं सारी चीज छुप छुप के करी हम जैसे कोई अगर कोई वीडियो डालते थे पंद्रह बीस मिनट का है तो मैं घर वालों को बोलता था देख तो लो पंद्रह मिनट का वीडियो पंद्रह मिनट लगाया मैंने क्या समय लग गया उसमें उन्हें उन्हें बोलो हाँ कि पंद्रह मिनट के लिए पहले एक डेढ़ घंटे की शूट हुई है इसमें डेढ़ घंटे की एडिट लगी है बने उन्हें फर्क इतना समझते का फायदा उठाते हैं हमने इस चीज का फिर जब मेरे लाख सब्सक्राइबर हुए थे जो कि शायद थर्ड ईयर में ही कहीं पे बीच में हुए थे तो उस टाइम थोड़ा दिमाग में आया कि यार ऑनलाइन चीज को भी हम कुछ करें क्या एक्सप्लोर यार लाख बंदे हैं और ये मेरे दिमाग में नहीं आया मेरे छोटे भाई के दिमाग में आया उसने कहा देखो मेरी क्लास में एक बच्चा जानते भैया आपको जानते हैं मेरी क्लास में एक बच्चा मैं अच्छा 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 ठीक है तो मैंने पापा से बात करी और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप सीख सकते हो पेरेंट्स से बात करनी बहुत जरूरी है मैंने कहा पापा तीन चीज़ें प्राइवेट सरकारी और ये आपका और मैं नहीं कर पाऊंगा तीनों तो पापा ने कहा ठीक है बेटा छोड़ दे कौन सी छोड़ने है? मैं कहा प्लेसमेंट छोड़ दूँ पापा खुद आ बेटा छोड़ना प्लेसमेंट क्या <laughs> ठीक है चलो एक हटा एक हटते ही मतलब प्लेसमेंट हटते ही मतलब आपको कॉलेज के मार्क्स से भी अब फर्क नहीं पड़ता एक तरह से दो हट गए मैं बहुत रिलैक्सड दिमाग ऐसा आपको फील होता है कि ओके बैग हटा दिया एक बड़ा भारी सा फिर थोड़े दिन बाद लगभग हफ्ते दो हफ्ते में मैंने एक बार पापा के साथ मीटिंग करी कि पापा यू, मैं यूपीएससी भी छोड़ना चाहता हूँ ये तो तीस की उम्र तक दे सकते हैं मेरे को दो साल प्राइवेट सेक्टर को देने इसमें है पैसा देखो आ रहा है तो पापा ने कहा नहीं बेटा नहीं ये प्राइवेट सेक्टर ऐसे होते हैं इनका कुछ भरोसा नहीं अप डाउन हमने हमारे घर में कोई नहीं है ठीक है फिर मेरे भाई को दोबारा आया गुस्सा क्या भाई तेको तो अच्छा बच्चा बनना है पापा का पापा ने बोल दिया ये करना है तो, तो बोल देगा कर लूंगा नहीं वो गया गुस्से में एक पकड़ के। दूसरे सोफे पे वो बैठा बैठा ही नहीं शायद। ख़़़े ख़़़े उसने बोला पापा आप भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो पापा डर गए एक सेकंड के लिए यार कुछ सही तो बुरा नहीं कर रहा और क्या क्या नहीं पापा इतना पैसे कैसे कर सकते हो क्या पढ़ा यूपीएससी में सबने मतलब है? <laughs> बोला उसने बहुत बड़ी चीज होती है यूपीएससी पर जैसे हमारी बहन ने निकाला था तो दीदी ने कर रखा है वो नहीं आप इसको ये करने दो, दो साल बात कर लेंगे पापा ने कहा ठीक है दो साल के डेडलाइन चौथी इंपॉर्टेंट चीज डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप कब भी अपने लिए एक साइड हसल लो जिसमें आप ऑल इन जा रहे हो जैसे अब मैं ऑल इन जा रहा था आपको दो चीज ऑब्जर्व करनी है मैं पहले से कैपिटल कमा रहा था ऐसा नहीं था कि मैं जीरो रुपए कमा रहा हूं और मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी ऐसा था कि मैं ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ नियर बाई विनिटी में और फिर हमने कॉल ली कि चलो ठीक है यार प्लेसमेंट छोड़ देते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल है और जब आप छोड़ के ऑल इन जा रहे हो तो आपके पास डिफाइंड होना चाहिए कि यार मैं दो साल दूंगा इस चीज को और मैं इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको मीट कर गए तो फिर हम आगे और समय देंगे इसे तो मैंने अपने लिए गोल सेट किया था कि यार बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरे बैंक अकाउंट में कुछ एक्स रुपीज होने चाहिए एक्स हो गए तो मैं खुश हूँ मतलब अपन ने सही डिसीजन लिया तो अब सारे लोड हट चुके थे सिर्फ एक चीज था प्राइवेट सेक्टर खोदना है और आपके जो दोस्त हैं भाई वो लेके जा रहे हैं चालीस लाख का पैकेज एक पचास लाख का ले गया मैं कहा यार ये तो और जो सवा करोड़ के होते हैं वो आपके इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं इंडिया में नहीं मिलते इंडिया में पचास लाख मतलब बहुत बड़ी चीज तो आ, मैं कहा यार ये तो खराब चीज हो रही तो आप लगते हो जैसे कुत्ता भागता है ना आपके पीछे तो आदमी डबल स्पीड से भागता है वो अलग ही फुर्ती आ जाती है तो कुछ वैसा ऐसा था होता क्या है कि एक तो सपना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं शायद थर्ड या फोर्थ ईयर की शुरुआत या एंड या थर्ड के एंड में था मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर ठीक है और यू वीडियो था कि उस बंदे ने कुछ बी जैसी गाड़ी थी इलेक्ट्रिकल बी साइड में वो खड़ा था ठीक ठाक मेरे को अभी भी याद है वो बंदा कैसा दिखता था मतलब अंग्रेज था बल्कि था थोड़ा सा और उसने साइड में लिख रखा था हाउ आई बिकेम अलियनियर एट ट्वेंटी सिक्स अब मैं पहले तो कैलकुलेटर निकाला मिलियनियर होता कितना <laughs>

पर ये भी साथ तो नहीं तो कहाँ से बनेंगे पर पॉइंट बीइंग आपका जो ड्रीम है वो आप एक बार लो और आप उसे लिखो तो सही और एक चीज होती है आप उस पर चलोगे ही नहीं अगर मेरे दिमाग में चीज आई ये चीज अपने को करनी है आपके पास पांच सेकंड की विंडो है जिसमें आप या तो अंदर घुस जाओगे या फिर वो नहीं होगा क्योंकि ब्रेन हमारा स्ट्रक्चर्ड इस फॉर्मेट में है उसे कंफर्ट चाहिए उसे लग्जरी चाहिए तो वो पांच सेकंड तो बढ़िया आइडिया देगा यार ये चीज कर सकते हैं उसके बाद वो बोलेगा चल ठीक है बाद में कर लेंगे कल देख लेंगे तो तो खुद के साथ ईगो यार, यार मैंने बनाया है दो का फिगर बनाया ज्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो आस पास पहुंचे इसके अब यार ये नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि हमने एक्स का डिसाइड किया था कि होना चाहिए एंड जब तक कॉलेज खत्म हुआ था हमारा जो अमाउंट था वो लगभग था दस लग तो मैंने कहा okay, बोलता ना टेन एक्स हो सकता है मैं मानता नहीं उसकी नहीं झूठ बोल रहा है पर वो चीज हो गई आपको बिलीव मानना पड़ेगा सपने रोज लेने पड़ेंगे इस लेवल के सपने लेने पड़ेंगे थोड़े है ना यार सपने लेने वाली चीज जैसे मैं फर्स्ट ईयर में अगर आपको अपनी अपनी जगह आप आपकी जगह अपने आप को सोचूं जब लोग बोलते थे ना यार सपने ले लो फलाना चीज कर लो ये चीज हो जाएगी तो लगता था अब यार इसका निप गया इसका निप गया ये सबके लिए नहीं होता अपन यहाँ कच्छे में बैठे हैं यार ये हो गया सबका ऐसे थोड़ी ना होता है छोटा बच्चा इंजॉय करता है सिमिलरली कॉलेज के अंदर भी देखें तो एक फर्स्ट ईयर का बंदा हमारे टाइम में ज्यादा एंजॉय करता था एज कम्पेयर टू फोर्थ ईयर

ओवरलैप है ठीक है हमारे पास भी अभी ठीक ठाक बंदे काम कर रहे हैं लगभग हम है फोर्टी फाइव के राउंड हो जाएंगे लगभग सिर्फ अपने कक्षा में अकेले में तो इसको आप सोलो प्रोनोरशिप बोल दो सोलो प्रोनोरशिप एक तरह से वो होता है जहां पे आप इनिशियली खुद ही स्टार्ट करते हो चीजों को आप ही फाउंडर हो आप ही एम्प्लॉय हो आप ही वर्कर हो आप ही प्रोड्यूसर हो आप ही डायरेक्टर हो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आज के दिन ये चीज बहुत ईजिल है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया राइट right. अगर हर हर समय का यार एक ब्रह्मास्त्र होता है टाइमिंग होती है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे अभी बच्चे हैं जो कि ग्यारहवीं बारहवीं फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड इन में बैठे हैं आप सबसे लकीस्ट सबसे ज्यादा लकीस्ट जनरेशन हो आपके बाद जो आएंगे और जो आपसे पहले आए थे वो आप जितने लकी नहीं थे और उसके पीछे परफेक्ट एक रीजन मैं आपको बताता हूँ हमारे टाइम में जैसे मैंने आपको बताया हमारे टाइम में अवेयरनेस नहीं थी 2015 में तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ते थर्ड ईयर में जाके अच्छा कंपनी आएगी पढ़ेंगे आज के दिन बच्चा बारवी वाले बच्चे को पता है कि प्लेसमेंट कैसे लेनी है पहले से प्रियड है वो यार मैं ये ये चीज कोड करूंगा या फिर आपके केस में जैसे कॉमर्स में आपने बताया आपने भी कुछ कुछ चीजें ज्यादा अवेयर हो गए है क्या पहले हमें अगर कुछ चीज पढ़नी होती थी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे ऑफलाइन जाते थे आज के दिन ऑनलाइन ही सब कुछ है आप कोई भी चीज सर्च करो आपको चीज मिल जाती है यार ये रोड मैप है ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा ये कोर्स है अच्छा ये मेरे को लड़ने और मैं ये चीज कर सकता हूं तो आज से जो चार साल बाद जनरेशन आएगी जिस प्रकार के यार आपके कॉम्पिटिशन यूपीएससी में होते हैं ठीक है रेलवे के एग्जाम में होते हैं जहां पे करोड़ों बच्चे बैठ रहे होते हैं पेपर के अंदर आपको कुछ सिमिलर सा प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिखेगा स्पेशली जो कोडिंग डोमेन है और अब तो आपका छठी से बारहवीं में भी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कंप्यूटर्स डाल दिया मेरे को डर अच्छी चीज है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी फिर उतनी और फिर दूसरे एंड पे जब मैं ए आई देखता हूँ ए आई भी है जो कि काफी सारी चीजें आसान बना देता है जो चीज पहले लोग कोड करते थे वो पता चला कि अब चीजें आपको काफी बेसिक फ्रेमवर्क वैसे ही मिल रहे हैं आप सबसे लकीस्ट जनरेशन हो जो सबसे ज्यादा खींच के लेके जाओगे जब भी फेज कन्वर्जन होता है ना बदलाव आता है तो जो शुरुआती बंदे होते हैं वो सबसे ज्यादा उठा के लेके जाते हैं समझ में आ रही है नई दुकान खुली है पटाख पड़े हैं बहुत सारे जो छोटा बच्चा सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा पटाखे ले जाएगा सबसे अच्छे वाले आप वो बच्चे हो थोड़े दिनों बाद जो आएंगे अभी सोशल मीडिया में भी अपॉर्चुनिटी है आप जाओगे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है आपको अभी लगता होगा यार बहुत बड़े जायंट्स अभी तो खड़े पड़े हैं इनके सामने हम कहा कंप्लीट करेंगे नहीं अभी है आप आपसे आज से पांच साल बाद आप देखोगे सोशल मीडिया एक यूपीएससी एग्जाम होगा जिसमें लाखों बच्चे पीछे भाग रहे हैं बट 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 और तब वो सीट लेना बहुत मुश्किल होगा आज के दिन आपको किसी भी बिजनेस प्लान पे काम करना है आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको दो रुपए नहीं चाहिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए किसी भी चीज के बारे में आप अच्छा गाना गाना चाहते हो जरूरी थोड़ा यारोर या बिजनेस का मतलब कि भाई अब तो मैं कुछ बेचूंगा किसी पे पैसे आए नहीं एक तो आपका हमेशा बिजनेस मॉडल बिजनेस टू पीपल नहीं होता बिजनेस टू बिजनेस भी होते हैं आप अपने आप चीजें जब आगे आओगे तब तो आपको समझ में आ गया ठीक है कुछ चीजें होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसी चीजें होती हैं और काफी इतने सारे नए डोमेन खुल रहे हैं यार पर वो ठोक कर खाने से आपको पता चलेगा अगर आप दो लोग होते हैं आज के दिन मैं बोलूँ तो हर दो एक जो कॉन्टेंट देखते हैं एक जो क्रिएटर है राइट और एक तीसरे होते हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे होते हैं आपको तीनों में से कौन से में आना है हर बंदा आज के दिन पांच से छह घंटे सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहा है मेरे जैसा बंदा लगा है समझ में आता है क्योंकि हमें ठीक है यार एजुकेशन में डाल रहे हैं हम तो पैसा भी इसके अंदर लगा रहे हैं यार ओके okay, कुछ इस प्रकार का बनाना है हमें इंडिया के अंदर आप से छह घंटे लगाओ कोई दिक्कत नहीं है पर उस पांच से छह घंटे के अंदर अगर आप कूड़ा खा रहे हो तो वो फिर क्या होगा समझ रहे हैं मतलब अगर आप जैसे कि मेरे को आज तक लोग बोलते हैं अभी कि यार इंस्टाग्राम पे फोटोशूट वगैरह करा के फिर ढंग से बनाओ वो आपके अच्छे फॉलोअर मेरे यार है ही नहीं वो चीज तुम अभी भी देख रहे हो कि मैं बाल बिखरे पड़े ऐसे ही मस्त इससे पहले मैं क्लास ले रहा था अंदर शर्ट भी है मैं उसी के ऊपर शर्ट पहन का डर्ट में रहना सीख जितनी गंदगी में सीख सकते हो जैसे कि यार एक तो भूख बहुत जरूरी है किताबें किताबें डॉक्यूमेंट्रीज पॉडकास्ट जितनी ले सकता है उतनी हमें कुछ पता ही नहीं हम गवार आदमी है जितनी भी बाउंड्रीज सेट हो रखी है बचपन से हमें जितनी भी बताई है सारी की सारी फॉल्स है राइट हमने थोड़ी ना बनाई है वो बाउंड्रीज आप पैदा हुआ किसी ने बता दिया ऐसा होता है ऐसा होता है उसने सौ बार बोल दिया ऐसा होता है हम मानने लग गए ऐसा होता है ऐसा होता ही नहीं आपको खुद की अपनी बाउंड्रीज बनानी है और उतने अवेयर होने के लिए आपको बाकी लोग बड़े लोगों की किताब पढ़नी पड़ेगी जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ढंग का कर रखा हो जैसे अभी मैं रिसेंटली लाइब्रेरी में गया था तो हम कुछ आठ दस किताबें लेके आए थे पर ये सारे बच्चे ले गए सारी बांट देता हूँ उनमें यहाँ पे अभी दो तीन ही है तो ये मस्त मस्त किताबें हैं जैसे ये है आपकी एक सीरीज है पूरी वन थाउजेंड वन कोटेशन वो हजार कोट्स जिन्होंने दुनिया को बदल दिया फिर एक और इसकी सीरीज है डेज जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को बदला है कौन से वो स्पेसिफिक डेज हैं आप उनके बारे में पढ़ते हो आपको पता चलता है इंडिविजुअल बंदे हैं यार अलेगजेंडर हैं ये सब आप इनको पढ़ो तो और वो सब भी नहीं पढ़ने आपको सिर्फ सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़नी है तो वो पढ़ो आपकी पूरी सीरीज आती है द सीक्रेट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव सीक्रेट ऑफ बीइंग अ गुड इन्फ्लुएंसर सीक्रेट ऑफ बीइंग अ ग्रेट लीडर बहुत प्यारी सीरीज है मैंने उसे रिसेंटली फॉलोअप करा है जितनी भी आपकी किताबें हैं नेपोलियन हिल वगैरह जैसी जो बहुत फेमस माने जाते हैं थिंक एंड ग्रो रिच उससे बहुत बेटर लगी मुझे वो पर वो पढ़ के ही पता चलेगा ना अब जैसे यार उसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो कि सारी आप पे एप्लीकेबल नहीं होती जैसे फॉर एग्जांपल एक, एक किताब का ही मैं सीन बता देता हूँ कि टू बी प्रोडक्टिव सबसे पहले आपको आपकी जो लो लेवल एक्टिविटीज है उन्हें सेट करना पड़ेगा लो लेवल एक्टिविटीज उन्हें बोलते हैं आप सोते कब हो आप उठते कब हो आप खाना कब खा रहे हो आप एक्सरसाइज कितनी देर कर रहे हो अब जिस बंदे का यार यही सेट नहीं है कि कब सोना है कब उठना है वो बंदा क्या हाई लेवल प्रोडक्टिव काम करेगा प्रोजेक्ट पे क्या काम करेगा झूठ है झूठ <laughs> है डिपेंड करता है आप कौन सी अपने एज में हो अगर आप बारहवीं तक के बच्चे हो ठीक है समझ में आता है कि आप यार एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाओ एक पर्टिकुलर टाइम पे उठो आपका स्ट्रक्चर में बंधना जरूरी है अगर आप एक कॉलेज के बच्चे हो नहीं जरूरत ही नहीं है मैं रात को शायद ही कॉलेज के अंदर एक ऐसी एक दो रातें तो मिली जाएंगी पर हार्डली किसी रात को मैं सोया हूँ मैं हमेशा कॉलेज में जाके सोया हूँ लास्ट बेंच में। में। मेरे हैं पे मेरे वीडियोज है पे जहाँ पे मैं कॉलेज में ऐसे लास्ट में सो रहा हूँ बेंच में नहीं चाहिए स्ट्रक्चर वो डर्ट में रहना जरूरी है ठीक है आप एक बार कॉलेज पार कर लेते हो अब आप उस सेक्टर में हो यार ठीक है हम रोज काम कर रहे हैं तब दोबारा वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहे हो आपको जॉब भी करनी है साथ में आप अपनी एक साइड हसल के लिए समय निकालना चाहते हो तो पर वो डर्ट ग्राइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने जो स्टूडियो जो मैंने आपको बताया घर वालों से हमने फालतू बहाने लेके बनाया कॉलेज के जस्ट पास वो तुम्हारा एक आठ बाय दस का कमरा था आठ बाय दस के करीब का ही था वो उसके अंदर एक व्हाइट बोर्ड था एक बेड था एक टेबल थी जो कि काफी बड़ी जो मेरी एल शेप टेबल होती है वाइट कलर की चार फीट की उसके अंदर एक और टेबल थी जो कि स्टडी टेबल थी तो एक हो गई शूट के लिए एक हो गई स्टडी के लिए उसी रूम के अंदर हम कैमरा भी रखते थे और एक पॉइंट ऐसा था जब उस रूम में हम तीन बंदे रहते थे तो बेड एक था दो बंदे नीचे रहते थे और क्या मजा आता था यार कभी भी यूं लगा नहीं कि अपन कुछ भाई हसल वसल वो स्वाद है यार वही तो स्वाद है

यहाँ में सोते हो उठते हो काम करते हो पूरे दिन इस कमरे में बैठे रहो मेरे को कोई भी चीज करनी है एकदम से कैमरा स्टार्ट किया एकदम से लैपटॉप स्टार्ट किया पूरी टीम यहाँ पे नीचे बैठी रहती है एक कमरा खोलूंगा मेरे को सीधा 20 बंदों की एक्सेस है उन्हें मैं एकदम ऊपर गद्दे पे सोते ही मैंने चीज़ रियलाइज करी है वहां पे ज्यादा सोया जाता है नीचे जमीन पे सो के देखो ज्यादा नहीं सो सकते आपकी बॉडी उठा देगी आपको एक पॉइंट के बाद ठीक है मतलब वो स्वाद है यार मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ कितने भी आपके फाउंडर्स हैं क्रिएटर्स हैं वो अपने रूम में सोफे पे सोते हैं

पढ़ना भी पड़ता था कॉलेज के अंदर ही आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है नए डोमेन्स भी करने हैं कायदे से पढ़ना भी है एक मैं प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूं यार जैसे इंजीनियरिंग में जो हमारे यहाँ फॉलो होता है जो मैं कहता हूँ फॉलो करो एटलीस्ट आपको सबसे पहली प्रेफरेंस अपने कॉलेज की पढ़ाई को देनी है जैसे हमारे यहाँ आपके कॉलेज के नंबर बहुत मैटर करते हैं प्लेसमेंट के दौरान कंपनी कट ऑफ उसके बेसिस पे करती है कि ये बंदा बैठेगा ये नहीं बैठेगा तो मैंने कहा यार उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तुमने अपनी जिंदगी के अठारह साल इस चीज को दिए हैं तो अब हम लास्ट में नहीं कर आप को दे सकते हो? हो ना? अरे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए दो घंटे हो, हो पूरे दिन दे सकते हो हफ्ता महीना साल दे सकते हो तो क्या उस अपने सपने के लिए दो घंटे नहीं दे सकते नहीं दे सकते हैं तो वो दो घंटे साइड में बगल में देने बस और साथ में उसको चार साल देने आपके में तीन साल देने और वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है फिर वो चीज़ बड़ी होती है और आपको कुछ ऐसे डिस, डिसीजन होते हैं जो कि सारा डिफरेंस लेके आएंगे अगर मेहनत वाइज देखें तो हमारे बिल्डिंग में जो अगर मजदूर भी काम कर रहा है वो ट्रस्ट भी हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एक तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है ठीक है ठंड लग रही है फिर भी काम कर रहे हैं पैसे भी उतने ज्यादा नहीं मिल रहे रिस्क भी ज्यादा है गिर गिर सकते हैं इधर उधर से हम तो अपने मस्त रूम में बैठे हैं तो एक लेयर होती है यार एक मैं जो एक एक जो जो दिन दिन बच्चों को भी बताया था एक बंदा होता है जो कि दिन का कमा रहा होता है है कि का कमा रहा लेबर वर्क वगैरह करके फिर एक बंदे होते हैं जो कि यार ठीक है आपका जिनका पैकेज होता है पैंतीस से पचास हजार के बीच में फिर एक बंदे होते हैं कि यार ठीक है उन्होंने ठीक ठाक पहले इंजीनियरिंग वगैरह कर ली कुछ कर लिया वो लाख रुपए के करीब कमा रहे फिर एक बंदे होते हैं जो कि अलग लेवल पे होते हैं वो बंदे वो हैं जो कि दस लाख से साठ लाख पर मंथ कमा रहे हैं पर मंथ फिर इससे ऊपर एक लेयर होती है जो कि मैं बोलता हूँ जिनको घुमाने आते हैं राउंड घुमाने का मतलब आपने एक राउंड की फंडिंग ली दूसरी वहां पे वो बंदे फिर मिलियन डॉलर्स में खेल रहे होते हैं कि, ओके तीन करोड़ तो आप देखो तो यार एक बंदा एक दिन में क्या काम कर रहा है एक क्या कर रहा है और अमाउंट ऑफ वर्क में उतना कोई डिफरेंस नहीं है तो ये इतना बदलाव कैसे आया पहली चीज है अवेयरनेस हो सकता है यार कि राउंड घुमाने वाले व्यक्ति को पता है कि स्टार्टअप की दुनिया में घुसते कैसे

और फिर बीच में कुछ डिसीजन होते हैं मेरा मानना है जो फर्स्ट दो लेयर है लाख के ऊपर अगर आपको जाने, एक आपको जाना है लाख एजुकेशन ले जाएगी इंजीनियरिंग का है अच्छे से अच्छी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट गूगल कोई भी ले लो वो एक लाख प्लस माइनस दस हजार में सारी आ जाती हैं पर अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो अब आपको रिस्क मारनी है और बढ़िया रिस्क मारनी है इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस ठीक है तो रिस्क यार और कोई बड़ी रिस्क नहीं है यार प्लेसमेंट छोड़नी थी कोई बड़ी रिस्क है जब आप साथ में पैसा कमा रहे हो तो पर आपको काम करना पड़ेगा ना पैरल काम वो जरूरी है आपको घर वालों को बताना पड़ेगा घर वालों को झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को एक अपार्टमेंट चाहिए जिसमें मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा वो चीज जरूरी है राइट और बस बिलीव रख अपने आप पर दिन में वो वो फेज देखा है तुमने अभी कॉलेज के अंदर सारे हो चाहे नेहा हो या राहुल जितने भी यहां बैठे हैं कि भाई आप पूरे दिन राहुल के बारे में सोच रही हो राइट right, या आप पूरे दिन नेहा के बारे में सोच रहे हो तो वो उस लेवल का तुम्हारे दिमाग में कीड़ा होना चाहिए कि इस चीज के लिए मैं सैक्रिफाइस हो सकता हूं जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन और से दुनिया के सारे पेन खत्म हो जाएंगे आपको उस गोल के लिए क्या आप खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो वो गोल इतना बड़ा हो कि आप उसके सामने एक छोटी एंटिटी लगाओ तो आप खुद का सैक्रिफाइस हाँ यार ठीक है कर सकते हैं जब वो भूख होगी वो भूख है ही नहीं लोगों में डरते बहुत हैं

चाहे बिजनेस और औरशिप में एक बेसिक डिफरेंस है, मतलब जो बंदा हुआ है। जैसे कोचिंग अगर मैं वो एक बंदा हुआ है। तो मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी को, उसका बच्चा, उसको कर रहा है। तो वो ऑन्ट्रप्री है वो बिजनेस मैन है बिजनेस कर रहा है वो अगर मैं ऑनलाइन देखू जो कि पिछले पांच छह साल में आया तो मैं बोल सकता हूँ कि अन अकेडमी ने जो करा वो एक ऑन्ट्रप्रोनोर है एक नई चीज लेके आए उन्होंने स्टार्ट करी न्यू इन द मार्केट दैट्स कॉल्ड ऑन्टरप्रिनोरशिप और सबसे पहले यार आपको उस डोमेन का नॉलेज होना चाहिए तीन चार साल आपने रगड़ रखा हो उस मार्केट के अंदर आपको नब्ज नब्ज पता हो तब आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी भी पर्टिकुलर फाउंडर्स फाउंडर्स को देखो जैसे कि फॉर दोस्त हैं बहुत अच्छे से तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूं उनमें से एक बंदा ऐसा जिसने एक कंपनी एग्जिट करवाई थी एग्जिट इन द सेंस उसने बनाई और उसने बेच भी दी तो मैं बोल सकता हूं प्रोसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज थी यार इसको ऊपर कैसे उठा के लेके जाना है जो दूसरा बंदे थे वो है रोमन सैनी सर उन्होंने यार आ, एम्स सोलह साल की उम्र में यूपीएससी रैंक अठारह या सोलह में से एक थी क्या मैं बोल सकता हूं पढ़ाई के बारे में पता है कि कैसे पढ़ते हैं। <laughs> तो वो बंदा एजुकेशनल चीज स्टार्ट कर रहा है थर्ड बंदा टेक में बहुत अच्छा था फोर्थ बंदे भी थे वो अभी है नहीं उनके साथ तो इन्होंने पहले रगड़ रखा था किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में ऐसा नहीं होता कि आप आइडिया सोचो ये चीज तो कर सकते हैं और घुस जाओ आप पहले रगड़ना पड़ेगा आपको बेसिक लेवल पे ग्राउंड रियालिटी चाहे आपको कहीं पे काम करना पड़े कॉलेज के दौरान कर लो इंटर्नशिप कर लो सीख लो फ्री में काम करो वो चीज बहुत जरूरी है और दूसरी चीज कभी भी वेट मत करो यार आइडिया का क्रिएटिविटी का कभी वेट नहीं करते अभी मैं एक राइटर के बारे में सॉरी पेंटर के बारे में पढ़ रहा था वैनसिक वैन गोवा पता नहीं क्या नाम था ठीक है वन ऑफ द बिगेस्ट पेंटर है दुनिया का तो उसने बीस की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी बीस की उम्र के बाद पेंटिंग स्टार्ट करी एक डेकेट के अंदर उसने 860 पेंटिंग करी ऑयल ऑयल पेंटिंग और 1340 उसने नॉर्मल पेंटिंग करी थी एक डेकेट के अंदर जब आप कैलकुलेशन करते हो तो लगभग वो हर साढ़े चार दिन में हर साढ़े चार दिन में एक ऑयल पेंटिंग बना रहा था और लगभग दो वीक के अंदर वो तीन या पांच अपनी नॉर्मल पेंटिंग बना रहा था और उसने एक कोट दे रखा है कि गेट एवरीथिंग डन एंड प्ले गेट एवरीथिंग डन एंड टाइम टू प्ले इस प्रकार का कुछ है तो आप जब उस को फर्स्ट टाइम देखते हो टाइम टू प्ले मजा ठीक है बंदा लाइफ में मार रहा है खेल लो खेल कूद भी जरूरी है पर जब आप उसकी लाइफ के काम देखते हो कि यार इस बंदे ने साल में इतना करा आपको पता चलता है उसका प्ले का डेफिनेशन पेंटिंग करना है आज की तो दिन उसकी हर एक पेंटिंग मिलियन डॉलर वर्थ की है राइट तो वो बंदे ऐसे वेट नहीं करते साढ़े आठ सौ पेंटिंग और तेरह सो चालीस उसने दूसरी पेंटिंग समझ लो कितनी वो बैठा नहीं था एक दिन कि यार ओके मेरे पास एक मस्त सीनरी का आइडिया आएगा उसके बाद में अपना पेंट घुमाएगा उसने बनाई इतनी सारी कि वो बंदा क्रिएटिव हो गया क्रिएटिविटी तब है जब आप अपने आप से बहुत सारे आई गेस oh, uh, wow. उनके नेटवर्क में कोई इशू है प्लीज होल्ड फॉर वाइल और उसके बाद हम वापस uh, specific question and uh, also we would like to tell that uh, we are we'll be circulating a feedback form and uh, those who will be fill, uh, will be filling the feedback form will get the certificates for this session thank you i uh, don't forget to like uh, put your put the questions in the q and a section thank you कोर्ट से पढ़े हुए हैं पिछले चौदह साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्टॉक की बहुत अच्छी है बहुत बहुत ठीक ठाक उनका यार हमेशा कहना है कि, है कि ट्रेडिंग ठीक उसमें मार्जिन वगैरह सारी चीजें हैं पर वो चीज़ है ही नहीं यार हमारे लिए आप दो दिन पैसा कमाओगे हो सकता है चार दिन पैसा कमाओ जिसी एक दिन लगेगा और वो बढ़िया लगेगा अगर आपको पैसा कमाना है आप अपना पैसा डालो निफ्टी इंडेक्स के अंदर इन शॉर्ट अगर मैं विदाउट समय बर्बाद करें निफ्टी इंडेक्स क्या होता है आपके देश की जो टॉप आपकी पचास कंपनियां हैं जो आप राइट right. मान ली यस बैंक टॉप फिफ्टी में था डूब गई तो उसकी जगह कोई और आ गया फिर तो आपका जो पैसा है हमेशा टॉप में लगा रहेगा अब तुम्हें इतना तो दिख रहा है 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 ना कि यार अपना एक यूथ नेशन ग्रोइंग हमारी तो हमारा पैसा हमेशा ऊपर जाएगा अगर वो टॉप कंपनियां अच्छा कर रही है और उनका यार मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है ठीक है अगर हम सिर्फ रिलायंस का देखें तो शायद रिलायंस अकेले का कुछ पूरे मार्केट शेयर में कुछ शायद पांच के करीब आता है मैंने एक दिन कैलकुलेट करके देखा था सोच पूरे इंडिया की इकोनॉमी रिलायंस तो वो एक अकेले इतना कर सकते हो तो टॉप फिफ्टी कितना कर रहे होंगे तो एक तरह से आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप भूल जाते हो एटलीस्ट अगले बीस तीस साल के लिए चालीस के लिए कर सकते हो तो और बेटर क्योंकि मान लो अगर आप एक रुपया लगाते हो और मैं हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा लू जो कि आपको लगभग करीबन पंद्रह परसेंट चौदह पंद्रह परसेंट के सी ए जी आर लगभग आपको मिल रही है चल फोर्टीन फिफ्टीन परसेंट भी आप लेते हो तो आज का एक रुपया आज से दस साल बाद चार गुना होता है ठीक है चार रुपया वो बनता है

तब भी आपका जो एक रुपया है वो चालीस साल में दस गुना बन जाएगा आज की वैल्यूएशन पे तो अगर आप एक रुपया लगाते हो तो चालीस साल बाद आपको आज की वैल्यूएशन के हिसाब से लगभग पच्चीस छब्बीस रुपए मिल रहे होंगे तो स्टॉक मार्केट रंग दिखाता है लॉन्ग रन में फॉर नॉलेज इन्वेस्टर राइट अब इसके अंदर आपको हर चीज में आप ये फायदा रख सकते अपना हो अपना फाइनेंशियल अवेयर होके यार ओके मैं पांच सौ रुपए का पिज्जा ऑर्डर कर रहा था राइट या, मैं फालतू तो ये चीज थी इस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा था ये पांच सौ रुपए नहीं है पांच सौ मल्टीप्लाइड साढ़े बारह हजार रुपए के करीब है जो कि मैं लगा रहा हूँ क्योंकि इसे अगर मैं स्टॉक में लगाता तो आज से चालीस साल बाद मेरे को प्रेजेंट वैल्युएशन पे साढ़े बारह हजार के करीब की चीज का फायदा हो रहा होता तो ये है और दूसरे बंदे होते हैं जिनका फुल टाइम जॉब होता है वो प्रोफेशनल बंदे होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हो रियल स्टेट जैसे है राइट इसमें पैस, पहले पैसा आपको लगाना पड़ेगा जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी थी उसके लिए भी मेरे को लगभग एक फॉर्चुनर जितनी पैसे लगाने पड़े थे प्रॉपर्टी में पार्टनर्स ढूंढने पड़े थे क्योंकि मेरे पास अकेले पे इतना कैपिटल नहीं था कि हम लगा सके और आपको वहां पे एक चीज हिट होती है कि, कि किसी भी नए इलाके में जब आप प्रॉपर्टी बनाते हो इट इज इंपॉर्टेंट की वहां का प्रॉपर्टी डीलर आपका वन ऑफ द पार्टनर हो क्योंकि वो बाकी सारी चीजें हैंडल कर लेता है जैसे आपकी पुलिस हो गई म्यूनिपैलिटी हो गई बाकी चीजें हो गई वो एरिया को नाप ना उसने सबके साथ कॉन्टैक्ट बना रखे होते हैं आप उसके साथ नहीं बनाते हो तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है पर मिलेंगे आपको राइट right, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको प्लॉट सस्ता लेना पड़ेगा प्लॉट कहाँ से सस्ते ले सकते हैं हम अच्छा पता चला यार काफी लोग हैं जो लोन वगैरह नहीं दे पाते हैं तो वहां पे आप काफी प्रॉपर्टीज की नीलामी होती है कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो केस में फंसी होती हैं उनकी वैल्यूएशन डाउन रहती है तो वहां से आप कुछ कुछ प्रॉपर्टी ढूंढना ही बहुत अगर यार आप एक साल में एक दो प्रॉपर्टी पे भी काम कर लो वो बहुत बड़ी चीज होती है आपको कोई हजार ना ढूंढनी है तो एक अच्छी होनी चाहिए मार्जिन आपको प्लॉट में बनेगा और कंस्ट्रक्शन के दौरान यार आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा जैसे कि लोग क्या करते हैं यूजल एक आदमी की अगर हम बात करें वो जिंदगी भर पैसा कमाता है इतना पैसा अगर एक मिडल क्या बोलते हैं उसको मिडिल फैमिली के व्यक्ति की बात करें तो या तो वो प्लॉट ले पाते हैं ढंग से या फिर वो फ्लैट ले पाते हैं पर प्लॉट लेके बिल्डिंग बनाने वाला कैपिटल लगभग ज्यादा नहीं बन पाता है तो लोग क्या करते हैं अच्छा यार मैंने प्लॉट तो ले लिया लगभग एक दो करोड़ लगा के अब मैं ऐसा कर देता हूँ एक बिल्डर को ठेका दे देता हूँ कि यार आप बिल्डिंग बना दो जो चार फ्लोर बनेंगे उनमें से ऊपर वाले दो आप रख लेना एज अ फीस उन्हें आप बेचो वेचो क्या करो अपना मार्जिन आप वहां से निकालो ये एक बहुत मतलब फॉलोड है कि बिल्डर फिर बिल्डिंग बना देता है ऊपर के दो फ्लोर बेचता है और नीचे के दो फ्लोर फिर प्लॉट वाले बंदे के हो जाते हैं आप किसी भी बिल्डर को जब भी काम दोगे वो अपना मार्जिन काटेगा साथ में जिस ठेकेदार को उसने लगाया ठेकेदार एक एरिया में मतलब मान लो एक दो तो बिल्डिंगों पे काम कर रहा होता है उसका मार्जिन काटेगा आपको क्या करना है ऐसे होता है यार ऊपर एक बिल्डर होता है नीचे ठेकेदार होता है और ठेकेदार के नीचे आप फिर पंद्रह सोलह नए छोटे छोटे ठेकेदार इन द सेंस एक लाइट का काम देख रहे हैं ठीक है एक आपका टाइल का काम देख रहा है एक आपने किचन का ठेका किसी को दिया है एक आपने वुड का ठेका किसी को दिया है कि यार डोर वगैरह जितने भी हमारे सारे लग रहे हैं पूरे घर में एक आपने ग्लासेस का किसी को दिया है खिड़कियां वगैरह जितनी हमारी लग रही है उस सब का ठेका एक आपने लेंटर डालने का किसी को ठेका देते हो तो ऐसे हमारे पंद्रह छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं पेंट का आप किसी को दे रहे हो अगर आप सीधा इन बंदों को, को पकड़ लो पंद्रह जो हैं और आप अपना बिल्डर और ठेकेदार वाला मार्जिन हटा लेते हो और आपको प्लॉट की प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है तो आपको एक प्रॉपर्टी में अच्छा मार्जिन मिलता है अदरवाइज आज के दिन मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि यार अगर आपको हिस्ट्री निकाल के देखोगे हमारी जो प्रॉपर्टी 2000 में अगर हम देखें अलग अलग टाइप की होती है यार कुछ होती है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ होती है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है और एरिया पे भी बहुत डिपेंड करता है तो मैंने एक नॉर्मल गुड़गांव जैसा जो एरिया है उसके हमने यूट्यूब पर डाला था अभी फिर वीडियो मैंने प्राइवेट कर लिया था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंस रिवील हो रहे थे तो मम्मी को पसंद नहीं है जब से भाई खोया है कि यार तुम ऐसी चीज़ें वीडियो तो मैंने हटा लेते हैं उसे। तो 2000 के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी सौ रुपए की थी मेरे को एग्जैक्ट स्टार्ट से याद नहीं हर साल बाई साल, मैं लगभग आपको एक आइडिया दे देता हूँ वो दो से लेकर दो तक स्पाइक मार के गया था लगभग 33 परसेंट की ग्रोथ हुई थी 33 परसेंट भाई हिसाब स्टॉक मार्केट नहीं देता 33 परसेंट जितना वो जिस हिसाब से गिर रहे थे उठ रहे थे लगभग जो प्रॉपर्टी सौ रुपए की थी वो लगभग पंद्रह सौ रुपए की हो गई थी इतना कुछ ग्रोथ था पर 2009 से लगभग 2020 तक वो चीज बढ़ी नहीं वो पंद्रह सो की चीज आज के दिन भी सत्रह सो रुकी है तो जब आप ग्रोथ देखते हो तो यार वहां पे तो आपका गुना से मल्टीप्लाई हो रहा है तीन गुना जा रहा है दो साल के अंदर चार गुना प्रॉपर्टी जा रही है ऐसा होता था आप गुड़गांव में आज गए हो अगले हफ्ते जाओगे नए रेट मिल रहे हैं आपको राइट पर जब आप देखते हो यार 2009 में वो 1500 था आज 2020 में भी वो 1700 है तो पता चला यार ग्रोथ तो सिर्फ आपकी तीन से चार परसेंट की हुई तो जब आप एवरेज लोगे तो आपको दिखेगा यार अच्छा यार लगभग बारह तेरह परसेंट का भी आ रहा है मेरे को एक्ट स्टार्ट याद नहीं है यार समझ लो मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं बारह तेरह का आ रहा है अब ये बारह तेरह भी और डाउन आएगा टिल टेन क्यों आएगा क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है उसमें बंदा कौन रहता है एक सैलरी वाला बंदा रहता है सैलरी की इंसेंटिव से बढ़ती है लगभग दस प्रतिशत से हर साल बढ़ रही होती है तो कायदे से रेंट को भी दस प्रतिशत ही बढ़ना चाहिए उससे अगर फास्ट एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप कैसे करोगे कितना रेंट आपका मिल रहा है आपका एक पी रेशो होता है यार जिसको हम नहीं जा रहे होंगे ठीक है ज्यादा डिटेल में हो रहा होगा पर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ रेंट अगर दस प्रतिशत से बढ़ रहा है सैलरी दस प्रतिशत से बढ़ रही है तो आपकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ तैंतीस परसेंट से नहीं हो सकती वो एक बबल है वो बाद में न्यूट्रल होगा ही अब जैसे गोल्ड को हम ले लेते हैं कोरोना के अंदर आपने देखा है, गोल्ड कैसे स्पाइक लेके गया तब क्या वहाँ पे अब क्या वो वहां पर बैठा रहेगा पचास के ऊपर अब क्या होगा अगले काफी साल तक वो वहीं बैठा रहेगा या नीचे आ गया, उस रहेगा राइट क्योंकि आपको है ना लॉन्ग लॉन्ग रन में देखते हैं आप स्टॉक मार्केट को देखोगे कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है पर आप स्केल बड़ी कर लो आप देखोगे कि प्रॉपर लीनियर ग्राफ बनेगा आप स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट एंड तक बनाओ आपको चौदह की रेट दिखने लग जाएगी कोरोना के अंदर एकदम डिप आया था सब लोगों ने कहा भाई स्टॉक तो डाउन हो गए अपने बेच 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 दो 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 हमने खरीदे उस टाइम मैं कहा यार अभी तो स्टॉक वैल्यू की प्राइस कम हुई है और यही कैपिटल वर्ल्ड की खराब बात भी है क्योंकि जब कोरोना आया लोगों के पास पैसे कम है सैलरी नहीं मिल रही है उन्हें तो वो सेव करना चाहते हैं किसी के स्टॉक तो वो बेच रहे हैं तो ऐसे में जिसने पैसे बचा रखे हैं वो ज्यादा खरीद लेगा कि यार पहले जो चीज मेरे को सौ रुपए की मिल रही थी अब स्टॉक डाउन आ गया मेरे को चीज वो साठ रुपए की मिल रही है मुझे पता है ये कोरोना तो एक साल रहेगा ये मार्केट वापस ऊपर स्पाइक मारेगा तो क्यों ना मैं साठ में ले लूं कल को वो चालीस का मेरे को फायदा हो जाएगा का. अब लोग वहाँ करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती नहीं सब और हमारे जब आप कोई भी कोर्स करोगे हमारे इसमें बोलते थे जान लगा दो इसको टर्मिनोलॉजी बोलती थी जब भी ऐसा डिप मिले जैसे दो में मिला तब जो है चाहे किसी से मांग के लेके आना पड़े पर खरीदो मतलब मांग के मतलब पर अगर व्हाट्सएप खोलू तो उसके अंदर आपको सारे के सारे वो बंदे दिखेंगे जो की या तो मेरे से आठ आठ दस दस साल बड़े हैं राइट या तो उन्होंने कंपनी खोल रखी है बड़े बड़े फाउउंडर्स है सारे के सारे जैसे की शुरुआत से चलो रिविल नहीं करेंगे पर सारे के सारे फाउंडर हैं या क्रिएटर हैं बड़े-बड़े या कोई बोर्ड टॉपर वाला बच्चा है तो वो yes. आपको ध्यान रखना है एब्सोल्युटली सर वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस बट आई एम अफ्रेड कि हम उनको oh. यहां पे आंसर नहीं कर पाएंगे 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एक्सीड हो गए हैं इन टोटल तो आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड द इवेंट एंड यस टू एवरीवन वी हैव सर्कुलेटेड